अगर बात की जाए बिग बॉस सीजन 13 की, तो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है बिग बॉस। जी हाँ, आए दिन बिग बॉस में एक न एक ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज काफी हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से सिद्धार्थ और शहनाज के बीच काफी अनबन चल रही थी और ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा था कि शहनाज शेफाली से कहती है कि वो सिद्धार्थ को मिस करती हैं, जिस पर शेफाली कहती हैं कि उन्हें सिद्धार्थ से जाकर बात कर लेनी चाहिए। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती रह चुकी है, ऐसे में उसे बरकरार रखना चाहिए। इसके बाद से शहनाज का कहना होता है कि उन्हें सिद्धार्थ से बात करने में अब डर लग रहा है। लेकिन बाद में शेफाली सिद्धार्थ के पास जाती हैं और सिद्धार्थ को सारी बात बताती हैं। ऐसे में सिद्धार्थ का कहना होता है कि मुझसे किस बात का डर है उसे। वहीं शेफाली और सिद्धार्थ जब बात करते हैं तो ऐसे में आरती उनकी बातें सुनती है और कहती हैं कि शहनाज ने उनसे भी कहा था कि वो सिद्धार्थ को बहुत मिस कर रही हैं। और दर्शकों, इसी बीच एक और रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलता है सिद्धार्थ और शहनाज के बीच। जी हाँ, आपको बता दें कि बीती रात शहनाज जाती हैं सिद्धार्थ को मनाने। रात में जब सिद्धार्थ सो जाते हैं तो शहनाज उनके पास जाती हैं और उनके बेड पर फूल रख देती हैं। ऐसे में ये देख सिद्धार्थ हंसने लगते हैं और शहनाज फिर दोबारा आती हैं और बेड के पास रखे टेबल पर कुछ सामान रखने लगती हैं। वहीं इसी बीच सिद्धार्थ उठते हैं और शहनाज का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं और उन्हें प्यार से गले लगा लेते हैं। वही ऐसा सब देखकर तो लग रहा है कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच कहीं प्यार तो पनपने नहीं लगा है। जी हाँ, लोगों को तो ऐसा ही नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर घर के सभी सदस्य सिद्धार्थ और शहनाज को देखने लगते हैं और उनको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे में ये बात तो अच्छी है कि दोनों ही दोस्त बन गए हैं, लेकिन आगे चलकर देखते हैं ये दोस्ती क्या रंग दिखाती है। तो दर्शकों, फिलहाल तो इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।